हमारी बहुत उम्मीदें थी इंजी भाई कि आज मैच हो, भले 5 ओवर्स का ही हो, एक होप रहती। और वहां पर बारिश हो गई और बारिश यानी कुदरत का निजाम, उसने रख रखा चपेड़े मारी हैं, अमेरिका ने लाते मारी हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बाहर कर दिया है। वो जो हम तवक्को करते थे कि किस्मत का निजाम, कुदरत का निजाम आज फिर पाकिस्तान की मदद को आएगा, तो वो मदद को आज नहीं आया। ये कुदरत का इंसाफ है, जो टीम डिजर्व करती है वो टीम गई है, इसको बोलते हैं जस्टिस। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। जो बोए बीज बबूल के, वो आम कहां से काटे। होए 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 होए। इतना आसान ग्रुप था, हमें लग रहा था सिर्फ एक ही मैच है जो आपकी टक्कर की टीम है इंडिया, हमसे बेहतर टीम है अगर हम बात करें इस वक्त। वही हुआ जो होना चाहिए था, जो होता है बुजदिलों के साथ, जो होता है बेशर्मों के साथ। हम वर्ल्ड कप से कुत्ते की मौत बाहर हुए हैं, कुत्ते की मौत। हमें ये चूरन बेचा गया कुदरत का निजाम है। ट्विटर पर जाकर लिखो कुदरत का निजाम, कुदरत का निजाम। तो एक वो मैच था जिसके जिसके लिए हम परेशान हो रहे थे, बट बाकी मैचेस हमें लग रहा था कि आपकी टीम आसानी से जीतेगी। वो खौफ के बादल बरसे हैं और खूब बरसे हैं और इतने बरसे हैं कि शर्मिंदगी में, परेशानी में। कनाडा वाला मैच जीत के हम प्लानिंग करना शुरू हो गए थे कि हमने सुपर एट में किस किस के खिलाफ खेलना है। बट अभी तो हमें कनाडा से जीत के ना फाइनल की बातें शुरू हो गई थी। सारे थैले उन्होंने भर लिए हैं और वापस आ रही है और मुंह काला करवा कर वापस आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आयरलैंड अमेरिका के मैच रद्द होने के कारण पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। 2009 की चैंपियंस पाकिस्तान टीम अब आयरलैंड के खिलाफ आखिरी मैच जीतकर भी सुपर 8 में नहीं पहुंच सकती। शुक्रवार को आयरलैंड और अमेरिका के बीच मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट मिला। अमेरिका के 4 मैच में 2 जीत 1 हार और 1 मैच रद्द होने से 5 पॉइंट्स हो गए हैं। पाकिस्तान के 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार से 2 पॉइंट्स हैं। टीम आयरलैंड के खिलाफ आखिरी मैच जीतकर भी 4 ही पॉइंट्स तक पहुंच सकेगी, जो अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए काफी नहीं है। दूसरी ओर टीम इंडिया ना सिर्फ सुपर 8 में पहुंच चुकी है, बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचने की उसकी राह भी काफी आसान नजर आ रही है। भारतीय टीम सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भिड़ सकती है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट में भारत को कभी नहीं हराया। टीम इंडिया 6 पॉइंट के साथ ग्रुप ए में पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने थैले शैले पैक करके वापस आ रही है। सारे थैले उन्होंने भर लिए हैं और वापिस आ रही है और मुंह काला करवा कर वापिस आ रही है। हमें ये चूरन बेचा गया कुदरत का निजाम है। ट्विटर पर जाकर लिखो कुदरत का निजाम, कुदरत का निजाम। पाकिस्तान में लोगों को फुद्दू लगाए रखा इन्होंने और कहा जी कि फ्लोरिडा वेदर, फ्लोरिडा टॉप सर्च होने वाली जो टर्म थी फ्लोरिडा वेदर थी, और वहां पर बारिश हो गई और बारिश यानी कुदरत का निजाम, उसने रख रखा चपेड़े मारी हैं, अमेरिका ने लाते मारी हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बाहर कर दिया है। हमारा जो घंटे का किंग है, सोशल मीडिया के किंग बाबर आजम, बॉब्जी, बॉब्जी के बारे में बॉब्जी किंग कर लेगा, पता नहीं बॉब्जी आ रहा है, बॉब्जी द किंग, वो किंग है, बॉब्जी किंग कर लेगा। तो बॉब्जी किंग अब वापिस आ रहा है, बॉब्जी किंग अपनी पूरी टीम लेकर वापिस आ रहा है और ये मुंह काला करवा कर आ रहा है। यानी ये हमारे साथ एक दफा फिर मजाक किया गया है, हमारी क्रिकेट बर्बाद कर दी गई है, हमारा इदारा पीसीबी बर्बाद कर दिया गया है। एक दफा फिर पाकिस्तान की आइडेंटिटी के साथ, हमारी शिनाख्त के साथ, हमारी खुशी के साथ, हमारे फेस्टिवल के साथ, हमारे त्यौहार के साथ खेला गया है। ये क्रिकेट की हार नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी के ऊपर काला धब्बा लगा है। वो जो हम तवक्को करते थे कि किस्मत का निजाम, कुदरत का निजाम आज फिर पाकिस्तान की मदद को आएगा, तो वो मदद को आज नहीं आया। और इसलिए नहीं आया क्योंकि कुदरत का निजाम जो होता है वो दलेरों की मदद करता है, वो अच्छी नीयत वालों की मदद करता है, वो गैरतमंदों की मदद करता है, वो बहादुरों की मदद करता है, वो बुजदिलों की मदद नहीं करता। वो अपने मुल्क से बेवफाई करने वालों की, मैं गद्दारी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि वो बहुत भारी हो जाएगा, लेकिन अपने मुल्क के मुल्क से बेवफाई करने वालों के साथ कुदरत का निज़ाम नहीं आता। और आज ये साबित हो गया कि पाकिस्तान टीम ने घटिया क्रिकेट खेली है, बदतरीन क्रिकेट खेली है, और इस बदतरीन और घटिया क्रिकेट का यही जवाब बनता था पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। मैंने क्या बोला था, मेरी प्रेडिक्शंस कभी गलत नहीं हुई,
मैंने बोला था ये कुत्ते नहीं जाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे, ये बाहर हो गए हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। घंटा बाजिया हमारा हम वर्ल्ड कप से कुत्ते की मौत बाहर हुए हैं, कुत्ते की मौत मरे हैं हम, कुत्ते की मौत मारा गया। मेरे घंटे का किंग फेलियर है द कैप्टन। कनाडा वाला मैच जीत के हम प्लानिंग करना शुरू हो गए थे कि हमने सुपर एट में किस किस के खिलाफ खेलना है, बट अभी तो अभी कनाडा से जीत के ना फाइनल की बातें शुरू हो गई थी। वो रिकॉर्ड की भी है मैंने वीडियो। सो अगर वो मैंने कहा एक दो और जीत जाते तो हम तो फाइनल से भी आगे निकल जाते। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल फिर हम प्लान कर रहे होते खेलना। खुद का शमला वालों को कहते थे तू आगे निकल गया जन्नत से। सही बात है इंजी भाई, आईसीसी से हमें जितने मर्जी गिले हों पर आज पूरी कोशिश की गई है ये मैच कराने के लिए जी। और पता नहीं क्यों हमें लगता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ये फील आ रही थी कि शायद आईसीसी चाह रहा हो कि पाकिस्तान इंडिया की एक और गेम हो ही जाए, जितनी कोशिश हम कर सकते हैं कर ही ले, क्योंकि फायदा तो है नो डाउट। पाकिस्तान इंडिया की जब मैच होता है तो इतने सारे आईबॉल्स मिलते हैं, इतने सारे लोग फॉलो करते हैं इस क्रिकेट को, फायदा तो है आईसीसी का इसमें। देखिए सारे मैचेस है ना अपनी जगह पे है। इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की रेगुलरी भी बहुत मशहूर है जी। लेकिन वो जिस टाइम कोई इवेंट में आते हैं ना तो वो पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले में 50% भी नहीं रहती। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि जी वर्ल्ड कप का मैच शुरू हो रहा है वो विंडो खुली है टिकटों की ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, तो एक मिनट में सारी टिकट ख़त्म हो गई। कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में होता है। और आईसीसी की ये पूरी कोशिश होती है क्योंकि जी इनके बेशक है ना ये सुपर एट में भी खेलते और ये सेमीफाइनल और फाइनल में भी कहीं इनका टकराव होता, तो उसको बहुत फ़ायदा है और क्रिकेट की बहुत प्रमोशन है। कि अगर आप ये देखो कि पूरी दुनिया में एक इस शोर मचा हुआ था कि जी एक इस मैच का कि जी ये होना है जी इंडिया पाकिस्तान का टाकरा है और सारी चीज़ें, तो आईसीसी ने तो अपनी पूरी एफर्ट करनी थी। कि हालांकि एक दफ़ा कॉल ऑफ करने के बाद भी उन्होंने कहा कि जी फिर भी देखो कि हमारे पास टाइम है। कॉल ऑफ करने के बाद दो घंटे इंतजार किया, दोबारा दो घंटे इंतजार किया कि जी किसी तरह मैच हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। तो क्या कहना चाहिए, आईसीसी की बैड लक है, पाकिस्तान की तो नहीं है क्योंकि जी हम तो ज़हनी तौर पर तैयार थे। आप देखो इंडिया पाकिस्तान का मैच जो आप जिक्र कर रहे हो ना, ये कभी भी कोई बेनिफिट मैच हो आप कहीं भी देख लो, इवन बेनिफिट मैच देख लो कितना क्राउड आता था। जितने भी हमने बेनिफिट मैचेस खेले इंग्लैंड में, इवन अमेरिका में भी जाके खेले जब क्रिकेट वहाँ किसी को भी नहीं थी, वो ऑस्ट्रेलिया पे लगा के खेलते थे, इंडिया में आप जाके खेलें, दुनिया में कहीं भी आपने इंडिया का पाकिस्तान का मैच होता ना तो स्पॉन्सर्स को कभी नुकसान नहीं होता।